शाजापुर के शुजालपुर में 8 जनवरी को पहला केस सामने आया था। उसके बाद जब और लोगों का चेकअप किया गया तो 2 मरीज और सामने आए। ऐसे करके कुल 6 मरीज कोरोना के शुजालपुर में मिले थे, जो कि सभी रिकवरी हो गए। लेकिन अभी वर्तमान में 29 केस एक्टिव है, जिसमें से 6 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं लोगों का महिला बाल विकास, नगर पालिका और डॉक्टर द्वारा जनता को जागरूक किया जा रहा है कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है, साथ ही 6 गज की दूरी बनाकर रखना है। यही नहीं, कोरोना से निपटने के लिए संतोष पांडे सुपरवाइजर ने बताया कि हॉस्पिटल में अगर एक साथ 60 से 70 मरीज भी आ जाएंगे तो उन सब के इलाज के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं हमने 100 बेड की व्यवस्था भी कर रखी है। 8 जनवरी को हमारे यहाँ पहला केस आया था शाहरुख पिता अब्दुल रहमान शुजालपुर मंडी का। इस और उसी तारीख को 3 केस आए थे अपने शुजालपुर शहरी क्षेत्र के। पहला शाहरुख पिता अब्दुल रहमान, सुरेश पिता सुरेश, और एक राजगढ़ जिले का लड़का है, वो शुजालपुर मंडी में कमरा किराए से लेकर रहता था, उसने भी सैंपल मंडी में करवाया था। वो इस प्रकार 3 केस आए थे कुल अपने। 8 तारीख वाले जो हमारे 6 मरीज आए थे वो सब 6 रिकवर्ड हो गए। और अभी वर्तमान में हमारे 29 केस एक्टिव शुजालपुर। इसमें डिस्चार्ज कितने हुए? जैसा डिस्चार्ज 6 हो गए। आगे कार्रवाई क्या करी जा रही है? आगे हमने क्या कि होम लोगों को बताना, पहले लोगों को कोविड के प्रति जागरूक करना है। मास्क के लिए हमारे विभाग और नगर पालिका का विभाग और महिला बाल विकास सब संयुक्त रूप से एक टीम बनी हुई है। लोगों को मास्क के लिए प्रेरित कर रहे हैं, 6 गज की दूरी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दूसरा, अगर मान लो कहीं एकदम सुनामी आती है, 50-60 केस एकदम शहरी क्षेत्र में या अनुभाग में आते हैं, तो उसके लिए हमने हमारी तैयारी पूरी कर रखी है। हमारा कोविड केयर सेंटर जो 100 बेड का है वो खाली है। बाकी हमने जो हमारी DCHCA सिविल अस्पताल शुजालपुर में इससे 50 बेड अपन ने उसके लिए कोविड के लिए रिजर्व कर रखे हैं। ठीक सर, आपको सुनना क्या? संतोष पांडे नाम है मेरा, मैं सुपरवाइजर का काम देख रहा हूँ शुजालपुर में विगत 2 वर्षों से। शुजालपुर से मुकेश अहिरवार की ये रिपोर्ट।